हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के एक्सरसाइज में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रीवियस आईटी जेई और एआई ट्रिपल के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ओके। और एआई ट्रिपल 2007 में ये प्रॉब्लम आ चुका है। अब प्रॉब्लम सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें केवल पॉजिटिव टर्म है और हर कोई टर्म बराबर होगी उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट दो टर्म है उनके सम के बराबर। मतलब कि ए वन निकालना है हमें, तो ए वन बराबर होगा ए टू प्लस ए थ्री के। ये हमें कंडीशन दे रखी है इस क्वेश्चन में। सो प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए हम जनरल टर्म ले लेते हैं ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और ये बराबर होगी इसके नेक्स्ट दो टर्म के सम के। सो इसकी नेक्स्ट टर्म होगी ए आर टू द पावर एन, और इसके बाद वाली जो टर्म होगी प्लस ए आर टू द पावर एन प्लस वन। अब इस पूरी इक्वेशन को ए आर टू द पावर एन माइनस वन से डिवाइड करें हम, तो हमें मिलेगा ये। और अब हम देखें तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पर भी ए और ए कैंसिल हो गया, ए और ए यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पर बचा वन इक्वल्स टू आर टू द पावर एन अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस आर टू द पावर एन प्लस वन अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन। इस इक्वेशन को फर्दर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा वन इक्वल्स टू आर प्लस आर स्क्वायर। अब ये एक आर के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसे हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है वो यूज़ करके इसके रूट्स निकाल सकते हैं। पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं हम, और अब फॉर्मूला यूज़ करें तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर, तो बी बराबर है वन के, माइनस फोर इंटू ए वन है और सी है माइनस वन अपॉन टू ए, तो ए की वैल्यू वन है। और वैल्यू निकालेंगे आर की तो आएगी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ रूट फाइव बाय टू। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि सारी की सारी पॉजिटिव टर्म है। अब पॉजिटिव टर्म तभी आएगी जब कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो। सो आर की प्रीफर्ड वैल्यू होनी चाहिए रूट फाइव माइनस वन बाय टू। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है और ए आई ट्रिपली 2007 में ये प्रॉब्लम आ चुका है। अब सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझ लें। हमें दो नंबर पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है, एक है पी पी और दूसरा है क्यू, सच दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है पी प्लस क्यू की। तो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमें कंडीशन यूज करनी पड़ेगी कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अगर पी और क्यू दो पॉजिटिव रियल नंबर है तो उन दोनों के बीच में जो अरिथमेटिक मीन होगा उसे लिखेंगे पी प्लस क्यू बाई टू, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन जो कि होगा अंडर रूट ऑफ पी क्यू। दोनों साइड स्क्वायर कर ले हम, सो पी प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन नीचे टू का स्क्वायर करा तो फोर आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए पी क्यू के बराबर है। एक कंडीशन तो ये आ गई। अब एक कंडीशन हम यहाँ से भी निकाल सकते कि पी प्लस क्यू का स्क्वायर ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस टू पी क्यू। अब ये इनइक्वालिटी का यूज हम यहाँ पर इस इक्वेशन में करें तो इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम देखें तो टू और ये फोर, टू वन ज़ा टू, टू ज़ा फोर, ये कैंसिल हो गया और पूरी इक्वेशन को हम इनइक्वालिटी को टू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा टू इंटू पी प्लस क्यू का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टू प्लस पी प्लस क्यू का स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व करें तो पी प्लस क्यू का स्क्वायर इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू टू, और पी प्लस क्यू वुड बी लेस देन इक्वल्स टू
रूट टू। अब यहां पर हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, वो भी मैं आपको समझा दूं कि हमें पहले गिवन है कि पी और क्यू क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। दो पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, इसलिए यहां पर प्लस माइनस नहीं लिया। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी रूट टू के बराबर पी प्लस क्यू की। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये थर्ड प्रॉब्लम है और ए आर ट्रिपिक 2008 में ये प्रॉब्लम आ चुका है। यह प्रॉब्लम सबसे पहले हम समझ लें कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी पहली दो टर्म मतलब ए वन प्लस ए टू, इसको सम करें तो वो बराबर होता है 12 के, और जो थर्ड और फोर्थ टर्म है इसे ऐड करें तो आता है 48। और ये भी बोला है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स है वो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होगी, तो हमें फर्स्ट टर्म बतानी है। सो स्टार्ट करते हैं। ए वन को मान लिया ए, ए टू हो जाएगा ए आर, ए थ्री ए आर स्क्वायर, और ए फोर ए आर क्यूब। ये सब वैल्यूज हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में पुट करें तो इन्हें लिख पाएंगे इस प्रकार से। अब अगर हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन वन, इसे मान लेते हैं इक्वेशन टू, इक्वेशन वन को डिवाइड करें इक्वेशन टू से तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। न्यूमरेटर से कॉमन ले लेते हैं ए आर, आर स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब हम देख सकते हैं कि ए प्लस ए आर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, और 12 वन 12 फोर, हमें मिला आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और r की वैल्यू आई है प्लस माइनस 2 के बराबर। अब क्वेश्चन में बोला है कि अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म मिल रही है, तो डेफिनेटली r की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। सो r इक्वल्स टू माइनस 2, ये हमारा कॉमन रेशो आ गया। अब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब a निकालना है, तो ये इक्वेशन यूज कर लें a प्लस ए आर इक्वल्स टू 12, यहाँ पर r की वैल्यू माइनस 2 पुट करें, तो a प्लस a इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 12, a की वैल्यू निकालेंगे तो y की माइनस 12 के बराबर। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, माइनस 12। सो ऑप्शन b इज करेक्ट आंसर। सो ये हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है और AIEEE 2009 में प्रॉब्लम आ चुका है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो सीरीज और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का मिला हुआ एक प्रॉब्लम है। ओके, इसमें हमें इस सीरीज इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस सीरीज में हम देखें तो 1 के बाद वाली जो टर्म है उसके न्यूमरेटर को देखें तो सब में हमें 4-4 का डिफरेंस दिख रहा है, और नीचे डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर हमें जीपी जैसा दिख रहा है। तो अगर हम जैसे ये वाली टर्म है 2/3, इसमें अगर डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 4/3 स्क्वायर मिलेगा। इस टर्म में अगर हम डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करें 10/3 क्यूब से, तो हमें 4/3 क्यूब मिलेगा, और ऐसे हमें आगे ऐसा पैटर्न दिखता जा रहा है। ओके, सो हम क्या करते हैं, s/3 निकालते हैं। s/3 निकाला तो यहाँ पर आएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा 2/3 स्क्वायर प्लस 6/3 क्यूब प्लस 10/3 की पावर 4 और आगे जो भी टर्म आ रही है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जैसे ये 1/3 है उसको किस नंबर से ऐड करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड करना है तो, या 2/3 स्क्वायर है इसे किससे ऐड करेंगे। तो मैं इनको सबसे पहले जमा देता हूँ और बताता हूँ कि मैं किससे किसको सब्ट्रैक्ट करूँगा या ऐड करूँगा। अब इन दोनों ही सीरीज को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सो यहाँ पर आएगा s-s/3। अब जिस टर्म के सामने जो टर्म लिखी मैं उससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो 1 के सामने कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर आएगा 2/3 माइनस 1/3 प्लस यहाँ पर आएगा 6/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर, यहाँ पर 10/3 क्यूब माइनस 6/3 क्यूब प्लस 14/3 की पावर 4 माइनस 10/3 टू द पावर 4 और आगे सीरीज चलती जाएगी। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करें तो ये होगा 2s/3 इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1/3, यहाँ आएगा 4/3 स्क्वायर
प्लस यहाँ पर 4 बाय 3 क्यूब प्लस 4 बाय 3 टू द पावर 4 और आगे ऐसा मिलता जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म को हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 4 बाय 3। अब यहाँ पर हम देखें तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गया है और उसे सॉल्व करें सो 2s बाय 3 इक्वल्स टू इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाएं तो 4 बाय 3 अपॉन 1 माइनस r, r की जो वैल्यू है वो है 1 बाय 3 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2s बाय 3 इक्वल्स टू 4 बाय 3 अपॉन 2 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल और 2 वन जा 2, 2 सा 2s बाय 3 इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल, s की वैल्यू आ गई है 3 के बराबर। सो इस सीरीज का जो सम है वो है 3 के बराबर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये फिफ्थ प्रॉब्लम है और जेईई मेन 2013 में ये प्रॉब्लम आ चुका है। अब प्रॉब्लम समझ लें, x, y, z ये तीन नंबर है जो कि एपी में है, इसके साथ में tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z, ये भी तीनों किसमें है एपी में। तो हमें बताना है कि ये जो ऑप्शन है उसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। अब सपोज जैसे एक्स वाई जेड अगर एपी में है, इसका मतलब ये है कि 2y ये बराबर होना चाहिए x प्लस जेड के, और tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z भी एपी में है, सो 2 tan इनवर्स y ये बराबर होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z के। अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं तो वो बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसका फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स सेट। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये होगा कि ये भी इक्वल है, और 2y बराबर है x प्लस जेड के, वो हम यहाँ पर पुट करें तो हमें ये इसका आउटपुट मिलेगा। 2y की जगह x प्लस वाई पुट करा तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। सो एक कंडीशन तो ये हो गई और दूसरी कंडीशन ये हो गई 2y इक्वल्स टू x प्लस जेड। अब इन चारों ऑप्शन में देखे हम तो ये जो कंडीशन है वो तभी फुलफिल हो पाएगी जब x, y और z तीनों बराबर हो। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों ये सिक्स्थ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हमें तीन नंबर दिए गए हैं जो कि जीपी में है और वो एक इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं। अगर इन तीन नंबर में अगर जो मिडिल वाला नंबर है उसको डबल कर दें तब वो जो तीनों नंबर होंगे ना वो एपी में हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि जो जीपी में जो नंबर 3 पॉजिटिव नंबर है वो है ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर। अब आगे क्या बोला है कि जो मिडिल वाला नंबर है ए आर, इसको हम ट्वाइस कर दें तो ये तीनों जो नंबर है ना वो किस में हो जाएंगे, एपी में। सो ट्वाइस ए आर इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। अब पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दें तो टू आर इक्वल्स टू वन प्लस आर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉमन रेशियो। किसका निकालना है, जीपी का। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम कॉमन रेशियो निकाल पाएंगे, प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएं सो आर इज इक्वल्स टू माइनस बी, सो टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, सो फोर माइनस, सॉरी एक गलती हो गई है उसे पहले हम सुधार लें। क्या बोला था कि बीच वाली टर्म का ट्वाइस कर दे तो यहां पर ट्वाइस करा। अब इसका टू टाइम्स होगा तो वो बराबर होगा फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के। ओके, अब आगे सॉल्व करें तो फोर ए आर इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करा तो फोर आर इक्वल्स टू वन प्लस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम कॉमन रेशियो निकाल पाएंगे। सो आर इज इक्वल्स टू
माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ पर 4 के बराबर है, माइनस 4 के बराबर है, सो 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर 16 माइनस 4 ए सी, तो यहाँ पर 4 आएगा अपॉन 2 ए, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो आर इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 बाय 2। आर की वैल्यू निकालें तो आएगी 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3। अब बोला का क्या है कि इंक्रीजिंग जीपी है, इंक्रीजिंग जीपी तभी पॉसिबल है जब आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो। सो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो ये 7th प्रॉब्लम है और यहाँ पर हमें एक सीरीज गिवन है और हमें बताना है कि n की सबसे छोटी कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए इस सीरीज का जो सम है वो लेस देन 1/100 होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या करा कि सेकेंड टर्म के बाद में जो सारी टर्म है उन सारी टर्म में से -2/3 हम कॉमन निकाल सकते, तो वो यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। ऐसा करने पर अंदर की जो टर्म है वो सब जीपी में है। ओके सो हम यहाँ पर अंदर जीपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाने पर हमें यहाँ पर मिलेगा, अब यहाँ अंदर की बात करें तो ए जो है वो है 1 के बराबर और आर है 1/3 के बराबर, और यहाँ पर जीपी के सम का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। अब देखिए ध्यान ये देना है कि जो आर है उसकी जो पावर है उससे एक इंक्रीज पावर यहाँ पर सम के फॉर्मूले में आती है। अगर यहाँ पर आर टू द पावर एन माइनस वन है तो यहाँ पर आता है आर टू द पावर एन। इसी प्रकार से यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो 1/3 है, तो यहाँ पर 1/r की पावर एन माइनस 2 लिखा हुआ अगर a 1 के बराबर है तो। सो यहाँ पर एक पावर इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर एन माइनस 2 है तो यहाँ पर एन माइनस 1 आएगा। ओके अब इसे हम फर्दर सॉल्व करें, सो ये हमें मिलेगा और 2/3 से कैंसल, और फर्दर सॉल्व करें तो 1-1 प्लस 1/3 होल टू द पावर एन माइनस 1 ये हमें मिलेगा, और 1 और माइनस 1 भी कैंसल। सो अगर इस सीरीज का सम हम s मान ले, सो s बराबर आया 1/3 टू द पावर एन माइनस 1। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये जो सीरीज का सम है 1/3 टू द पावर एन माइनस 1 ये लेस देन होना चाहिए 1/100 से। अब हमें n की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। अब सपोज जैसे हमने n इक्वल्स टू 7 यहां पर पुट करा, फिर n इक्वल्स टू 6 यहां पर पुट करा, सो n इक्वल्स टू 7 पुट करने पर यहां पर आए 1/3 की पावर 6 और यहां पर आएगा 1/3 की पावर 5। अब 1/3 की पावर 6 हम निकालें तो आता है 0.00137 और ये छोटा होता है 0.01 से, 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01। अब 1/3 होल टू द पावर 5 निकाले तो आता है 0.004, ये भी छोटा होता है 0.01 से, तो पहली वाली कंडीशन भी ट्रू है और सेकंड वाली कंडीशन भी ट्रू है। थर्ड हम देखें n इक्वल्स टू 5 के लिए, सो 1/3 टू द पावर 4 ये आता है 0.012 और ये बड़ा होता है 0.01 से, तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। और n इक्वल्स टू 4 के लिए निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी फॉल्स। अब हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू हो तो वो है n इक्वल्स टू 6, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये 8th प्रॉब्लम है और एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम मैं कहूंगा इसे, यहाँ पर ये जेई मेन्स 2015 के पेपर में आ चुका है। अब क्वेश्चन पहले हम समझ लें कि दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है एल और एन, इनके बीच में जो अरिथमेटिक मीन है वो है एम के बराबर। सो एल और एम के बीच में जो अरिथमेटिक मीन है वो है एम के बराबर, सो एम की जो वैल्यू होगी वो होगी एल प्लस एन बाय 2 के बराबर, या हम कहें एल प्लस एन ये बराबर है 2m के। इसी के साथ में L और N के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करे हुए हैं जो कि है G1, G2 और G3। अब इस ज्योमेट्रिक मीन का जो कॉमन रेशियो होगा वो बराबर होगा N बाय L
टू द पावर 1/4 के। इस हिसाब से g1 की वैल्यू वो हो जाएगी l इंटू एन बाय एल टू द पावर 1/4 और g2 की वैल्यू हो जाएगी l इंटू एन बाय एल की पावर 2/4 और g3 हो जाएगा l इंटू एन बाय एल की पावर 3/4। अब हमें निकालना क्या है, g1 टू द पावर 4 प्लस 2 g2 टू द पावर 4 प्लस g3 टू द पावर 4 ये किसके बराबर होगा। तो हमें सिंपली g1 g2 g3 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो हमें इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें ये उसका आउटपुट मिलेगा और इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें तो हमें ये मिलेगा। अब इन तीनों टर्म में से हम एल टू द पावर 4 एन बाय एल इसे हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। सो कॉमन निकालने के बाद हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पर एक एल से एक एल कैंसिल तो यहाँ पर एल क्यूब बचा और अंदर जो लिखा हुआ है वो है 1 + n/l का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल क्यूब एन इंटू 1 + n/l का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम एलसीएम ले तो हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पर दो एल वापिस से कैंसिल हो गए और ये इधर का सेक्शन में मिटा रहा हूँ। सो इसके आगे हमें मिलेगा एल एल इंटू एल प्लस एन का स्क्वायर। एल प्लस एन की वैल्यू 2m यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा 4m स्क्वायर एन एल। ये इसका आंसर है। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये 9th प्रॉब्लम है और जेई मेन 2015 के एग्जाम में आ चुका है। हमें इस सीरीज की फर्स्ट 9 टर्म का सम निकालना है। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी nth टर्म निकालनी चाहिए। nth टर्म मतलब tn। अब न्यूमरेटर में अलग सीरीज चल रही है और डिनोमिनेटर में अलग सीरीज चल रही है। सो पहले न्यूमरेटर की टर्म की nth टर्म लिख लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर की टर्म की nth टर्म लिख लेंगे और फिर दोनों का रेशियो लेंगे तो इस सीरीज की nth टर्म हमें पता पड़ जाएगी। सो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर उसकी सीरीज का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब कि 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ ऐसे n³ तक जाएंगे तो उन सबका सम होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और ऑड नंबर की सीरीज का हम सम करें जैसे 1, 3, 5 और ऐसे आगे तो वो एन स्क्वायर के बराबर आता है। सो इस सीरीज की जो nth टर्म है वो हो जाएगी, न्यूमरेटर वाली सीरीज की nth टर्म देख लें तो n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 और नीचे वाली टर्म एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो nth टर्म हमारे पास क्या आई है, एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4। अब सीरीज का सम किसके बराबर होगा, nth टर्म को हम 1 से लेकर n तक सम्मिशन करें तो हमें सीरीज का सम पता पड़ जाएगा। tn की वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करें तो हमें ये मिलेगा। अब जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना उसको हम सम्मिशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/4 को हम इस सम्मिशन से बाहर निकाल दें। सो अब हमें इसका सम्मिशन निकालना है। अब हम जैसे n की वैल्यू पुट करके देखें तो अंदर वाले की बात करते हैं, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर और ऐसे जब n की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 10 स्क्वायर। ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक की सीरीज की सम निकाल लेते हैं और उसमें से हम ये 1 को माइनस कर देंगे तो हमें ये अंदर वाला जो है उसकी वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसमें जब हमें जैसे फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 10 पुट करनी पड़ेगी। सो एस 10 हमें 10 टर्म का सम निकालना तो इसे एस 10 बोल दिया और इसे हम एस एन बोल देते हैं। तो एस की एन की वैल्यू 10 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो 10 इंटू 11 इंटू 21/6 हमें यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा उसे कैंसिल कर लेते हैं। सो 3 2 6 3 7 21 2 1 2 5।
सो 77 इंटू 5 वो हमें मिलेगा 385 के बराबर। अब ये जो सम निकाला वो हमने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक का, हमें कहाँ तक का सम निकालना है, 2 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 385 में से ये 1 को माइनस करना पड़ेगा। सो जो समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू एन इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 385 माइनस 1 जो कि 384 के बराबर होगी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो हमें सीरीज का सम मिल जाएगा। सो 1/4 इंटू 384 डिवाइड करें तो 4 9 36 और 2 कैरी, सो 4 6 24। तो जो सीरीज का सम है वो आया है 96 के बराबर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये 10th प्रॉब्लम है और जेई मेन 2015 में प्रॉब्लम आ चुका है। अब ये प्रॉब्लम है तो बहुत सिंपल सच में बोल दूँ तो, पर बहुत सारे बच्चे इसमें चक्कर खा जाते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, तो सबसे जो सिंपलेस्ट तरीका है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ये बराबर है 3/2 के, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये बराबर है 1/2 के, और थीटा जो है ना वो अरिथमेटिक मीन है अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब कि जो 2 थीटा है वो बराबर होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा के। तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा की। अब इसमें हम कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू निकाले कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूले से, तो हमारे पास आएगा 2 cos of अल्फा प्लस बीटा बाय 2 into cos of अल्फा माइनस बीटा बाय 2, इसकी वैल्यू हुई 3/2। अब यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं तो हमें मिलेगा 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 into cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये आएगा 1/2 के बराबर। अब ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा ये। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और नीचे वाला कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और इधर भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये बराबर आया 1/3 के। ओके, अब हमें ये वैल्यू पता पड़ गई है। अब स्टार्ट करते हैं साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा से, जिसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 10 के टर्म्स में हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन एक्स इसे लिख सकते हैं 2 tan x/2 upon 1 plus tan square x/2, और कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1 minus tan square x/2 upon 1 plus tan square x/2, ये हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं क्योंकि हमें 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू पता पड़ गई है। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूले यूज करें तो हम इन दोनों टर्म्स को इस प्रकार से लिख पाएंगे। सो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया हमने साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए और कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए। अब यहाँ पर वैल्यूज हम पुट करें 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की जो कि 1/3 के बराबर है, तो हमें मिलेगा 2/3 upon 1 plus 1/9 plus 1 minus 1/9 upon 1 plus 1/9, जिसे हम आगे सॉल्व करें। मैं ये वाला सेक्शन रब कर रहा हूँ। सो ये 2/3 upon 1 plus 1/9 इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6/10, और 1 minus 1/9 upon 1 plus 1/9 इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 8/10, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14/10, दैट इज 7/5। तो आंसर क्या है हमारा, 7/5। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये आज के वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है और ये जेई मेन 2014 में आ चुका है। अब प्रॉब्लम समझ लें कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, प्रोग्रेशन है जिसमें कि हम रेशियो लें फर्स्ट 5 टर्म का और
जब उन फर्स्ट फाइव टर्म के रेसिप्रोकल लें, उन दोनों का रेशो लें, तो वो आएगा 49 के बराबर। मतलब फर्स्ट फाइव टर्म का सम, फिर वो फर्स्ट फाइव टर्म का रेसिप्रोकल लिया उसका सम, और इन दोनों का जब रेशो लेंगे तो वो आएगा 49 के बराबर। और इसके साथ में द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 35, तो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म बतानी। तो हम पहले फर्स्ट फाइव टर्म कंसिडर कर लेते हैं, वो होगी ए बाय आर स्क्वायर कॉमा ए बाय आर कॉमा ए आर और ए आर स्क्वायर, ये हमने पांच टर्म मान ली। अब यहाँ पर हम देखें तो पहली पांच टर्म और उनके रेसिप्रोकल, पहली पांच टर्म का सम और उनके रेसिप्रोकल का सम करें और उनका रेशो लेंगे तो वो आएगा 49 के बराबर। तो वो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। सो ये पांच टर्म का सम और इन टर्म का रेसिप्रोकल लिया और उनका सम और इन दोनों का रेशो लेंगे तो वो आएगा 49 के बराबर। अब न्यूमरेटर में से हम कॉमन ले सकते हैं ए और डिनोमिनेटर से कॉमन ले सकते हैं 1/a। सो कॉमन लेने के बाद हमें ये मिलता है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये और ये टर्म दोनों सेम हो गई, तो ये कैंसिल हो गई और आगे हमें मिलेगा ए स्क्वायर बराबर 49 के, और ए की वैल्यू निकाले तो आएगी प्लस माइनस 7 के। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है ए बाय आर स्क्वायर, तो एक्चुअल में हमें ये निकालना है ए बाय आर स्क्वायर। इसके लिए ये कंडीशन यूज करेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 35। तो फर्स्ट टर्म है ए बाय आर स्क्वायर और जो थर्ड टर्म है वो है ए, ये बराबर होनी चाहिए 35 के। अब ये जो सम है ना, क्योंकि आर आर स्क्वायर अगर ये नेगेटिव भी होगा तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पूरा जो डिपेंडेंसी है वो किस पे आ रही है, ए पे आ रही। मतलब कि अगर ए पॉजिटिव होगा तभी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 35। अगर ए नेगेटिव होगा तो यहाँ पर हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा। इसलिए ए की वैल्यू क्या लेंगे हम, प्लस 7 के बराबर। यहाँ पर हम पुट करें, सो 7 बाय आर स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 35। 7 बाय आर स्क्वायर ये हो जाएगा 28 के बराबर, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4, मतलब कि आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। अब आर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस 1/2 और माइनस 1/2। सो आर इज प्लस 1/2 और माइनस 1/2। अब हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है वो किसके बराबर है, ए बाय आर स्क्वायर के। तो ए की वैल्यू है 7 और आर की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, 1/2 या -1/2। तो हम 1/2 ले लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर, और इससे हमें मिलेगा 7 × 4 जो कि बराबर होता है 28 के। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो ये था पूरा वीडियो जिसमें हमने AIEEE और JEE मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करा था सीक्वेंस एंड सीरीज के। एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसी नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।